प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें अपशब्द कहे जाने का मुद्दा उठाने पर कांग्रेस ने शनिवार को उन उदाहरणों का हवाला दिया जब प्रधानमंत्री ने विपक्षी दल के नेताओं पर निशाना साधते हुए अशोभनीय टिप्पणी की थी। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री को छुई मुई नहीं बनना चाहिए बल्कि आलोचना को सहन करना चाहिए। विपक्षी दल ने यह टिप्पणी ऐसे समय पर की जब गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार कांग्रेस नेताओं द्वारा कथित तौर पर उन्हें गाली दिए जाने का मुद्दा उठाया। मोदी ने शुक्रवार को एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस केवल दो चीजें जानती है, मतदाताओं को खुश करने के लिए चुनाव से पहले मोदी को गाली देना और फिर मतदान के बाद ईवीएम को दोष देना। उन्होंने गुरुवार को एक अन्य रैली में कहा कि कांग्रेस नेताओं में इस बात की होड़ है कि उनके खिलाफ सबसे ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल कौन करेगा, अपने पद की गरिमा बनाए रखें पीएम मोदी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने संवाददाता सम्मेलन में इस मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर कहा कि वो प्रधानमंत्री हैं और हम सभी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। श्रीनेत ने कहा कि मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि वो छुई मुई क्यों बन जाते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी 10 गुना आलोचना की जाएगी, आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे। यदि आपको देश ने चुना है और इतने ऊंचे पद पर बिठाया है तो क्या आपकी जवाबदेही तय नहीं होगी? उन्होंने कहा अगर कोई सवाल पूछता है तो कहा जाता है कि आप प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, आप कब तक अपने नासमझ प्रवक्ताओं के पीछे छिपेंगे। श्रीनेत ने विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी को लेकर के मोदी पर निशाना साधते कहा, प्रधानमंत्री ने हमारी तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष को कांग्रेस की विधवा कहा, एक माँ को जर्सी गाय और एक पत्नी को 50 करोड़ रुपए की गर्लफ्रेंड कहा। जब वो एक निर्वाचित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दीदी वो दीदी कहते हैं तो उनकी गरिमा कहाँ जाती है? श्रीनेत ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री की गरिमा तब कहाँ चली जाती है जब वो एक पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में रेनकोट पहनकर नहाने की बात करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमें यह सब सहन कर लेना चाहिए और यदि आपके पास एक भी तीखा सवाल जाता है तो आप छुई मुई बन जाते हैं। श्रीनेत ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा आप देश के प्रधानमंत्री हैं, अपने सीने को थोड़ा चौड़ा करें और आलोचना सुने। उन्होंने कहा यदि आप प्रधानमंत्री रहते हुए अपने पद की गरिमा खो देते हैं तो आपका पद भी उस तरह की प्रतिष्ठा से रहित होगा। जाहिर सी बात है जिस अंदाज में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा था ठीक अब उसी अंदाज में कांग्रेस ने भी पीएम मोदी पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि भरी संसद में और अलग अलग चुनावी रैलियों में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का उन्होंने अपमान किया, लेकिन कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। प्रधानमंत्री किसी पर उंगली उठाने से पहले एक बार खुद के गिरेबान पर झांक कर देख लें, और उनकी पार्टी के नेता तो आए दिन महिलाओं का अपमान करते रहते हैं लेकिन तब प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं बोलते। जाहिर सी बात है जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से कांग्रेस ने घेरा है और प्रधानमंत्री मोदी के पुराने बयानों को कोट किया है, उसके बाद एक बात तो साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी इन सवालों के जवाब कांग्रेस के देने होंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों की आलोचनाएं करते हुए सीमाओं को लांघा है उसके बाद कांग्रेस ने भी अब उसी अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल दागना शुरू कर दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।